हमारे आसपास आज इतना डेटा मौजूद है कि हर 2 महीने में हमें अपने डिवाइस में स्पेस के लिए कुछ पुराना डेटा डिलीट करना पड़ता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि डिलीट होने का मतलब क्या है, और आखिर ये डेटा जाता क्या है? क्या आज तक जो भी चीजें आपने डिलीट की हैं वो सचमुच डिलीट हो गई थी, या आज भी उन्हें कोई ना कोई निकाल कर आपके सामने रख सकता है? गूगल के एनग्राम व्यूअर प्रोग्राम के मुताबिक 1979 वो पहला साल था जब हमने इरेज से ज्यादा डिलीट शब्द का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। लेकिन इसके असल मायने क्या है, ये शायद अभी समझना बाकी है। और आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर डिलीट होने के बाद फाइल्स जाती क्या है। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ही मत भूलिएगा। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कंप्यूटर की मेमोरी कैसे काम करती है। ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस हमें ये समझने की जरूरत है कि कंप्यूटर या फोन में स्टोर हुई हर एक फोटो, ऑडियो या वीडियो फाइल बाइनरी यानी 0 या 1 की फॉर्म में स्टोर की जाती है। एक तरह से मान लेते हैं कि आप एक नई हार्ड ड्राइव खरीद कर लाए और उस हार्ड ड्राइव की सभी वैल्यूज अभी 0 ही हैं। अब आप जब उसमें कुछ डेटा भरेंगे तो उसके एक हिस्से में बदलाव आ जाएगा और आपको जीरोस के बीच में कुछ वंस भी दिखने लगेंगे। अब आप कोई नया डेटा इसमें फिर से ऐड करेंगे तो बाकी जगह भी इस तरह के बदलाव आते रहेंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि हर बार इस नए डेटा को भरने के लिए कंप्यूटर अलग जगह देगा ताकि 2 अलग अलग तरह की फाइल्स का डेटा मिक्स ना हो जाए। अब ऐसे करते करते धीरे धीरे आपकी पूरी हार्ड ड्राइव इन जीरोस और वन से भर जाएगी। अब आते हैं डिलीट करने पर। फोन पर अभी हम आएंगे, पर जब आप कंप्यूटर से डेटा डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में चला जाता है। लेकिन रिसाइकल बिन बस एक अलग फोल्डर है उसी डेटा को स्टोर जो अब भी आपके कंप्यूटर में। अगर आप सोच रहे हैं कि रिसाइकल बिन में जाकर अगर वो फाइल आप डिलीट कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा, तो वो भी सही नहीं है। रिसाइकल बिन से डेटा को डिलीट करना और अपने फोन से डेटा को डिलीट करना दोनों एक ही बात है। तो अब हम दोनों की बात कर सकते हैं। जब आपने डेटा अपने डिवाइस की मेमोरी या हार्ड ड्राइव में भरा था तो इस हार्ड ड्राइव ने डेटा को स्टोर करने के बाद उतने स्पेस को अनअवेलेबल डिक्लेयर कर दिया था, यानी यहाँ कोई और डेटा नहीं आ सकता। लेकिन जैसे ही आप किसी चीज को डिलीट करते हैं वैसे ही स्पेस अवेलेबल डिक्लेयर कर दिया जाता है, यानी आपका डेटा तो हार्ड ड्राइव पर है लेकिन अब हार्ड ड्राइव ने कंप्यूटर को इस स्पेस को एडिट करने की परमिशन दे दी है। और यही आज की डिलीशन प्रोसेस है। आपका डेटा कहीं नहीं गया है, उसी हार्ड ड्राइव पर है, और जब तक कोई नया डेटा उसकी जगह नहीं ले लेता वो उसी हार्ड ड्राइव पर पड़ा रहेगा। फोटोग्राफर मेलनी विलहाइट का एक लैपटॉप चोरी हो गया था जिसमें उनकी खींची गई कुछ तस्वीरें थी। लेकिन जब पुलिस ने चोर को पकड़ा तो तब तक वो उस लैपटॉप से सभी डेटा डिलीट कर चुका था और अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रहा था। ऐसे में मेलनी ने कुछ डेटा रिकवरी एक्सपर्ट्स की मदद ली और उन्होंने हार्ड ड्राइव में से उनका डेटा रिकवर कर दिया। डेटा रिकवर तो हो गया लेकिन पूरी तरह नहीं, क्योंकि इस डेटा पर अब उस चोर का डेटा भी ऐड हो गया था जिसे हम ओवरराइट कहते हैं। इस ओवरराइट की वजह से वो फोटोज कुछ अलग ही दिखने लगी। मौके का फायदा उठाते हुए मेलनी ने उन पर फेंकी गई इन डेटा की ईंटों से अपनी नई एग्जीबिशन की नींव तैयार की और इन सभी ओवरड्रिवन पिक्चर्स को वहां पर दिखाया। उन्होंने इस एग्जीबिशन का नाम भी उस चोर के नाम पर टू एड्रियन रोड्रिगेस विद लव रखा। आज आपको ये फोटोज इंटरनेट पर मिल जाएंगी। आप भी अगर ये करना चाहते हैं तो आज आपको सिर्फ एक सॉफ्टवेयर की जरूरत है। ऐसे बहुत से सॉफ्टवेयर्स और एप्स आज इंटरनेट पर फ्री में अवेलेबल हैं, जो आपका डेटा एक डिलीटेड हार्ड ड्राइव या मेमोरी कार्ड से रिकवर कर सकते हैं। लेकिन हमेशा डेटा का वापस आना अच्छी बात भी नहीं है, वो भी तब जब आप किसी संवेदनशील विभाग से संबंधित हो। वहां अगर आप डेटा को सही तरीके से डिलीट करें तो वो फाइल्स गलत हाथों में पड़ सकती हैं। और यही हुआ है अमेरिका की सीक्रेट सर्विस के डॉक्यूमेंट्स के साथ। बीते कुछ सालों से अमेरिकन्स को ये समझ आया कि कंप्यूटर से जनरेट होने वाला कचरा उनके लिए खतरनाक है, इसलिए वो बड़े पैमाने पर इन्हें घाना जैसे गरीब देशों में भेजने लगे। आज घाना के एग्बोग्लोशी डिस्ट्रिक्ट दुनिया के सबसे बड़े ई डंप में से एक है और यहीं से इसकी नजर पड़नी शुरू हुई कुछ बेरोजगार और टैलेंटेड युवाओं पर, जो जहां से हार्ड ड्राइव्स को ले जाकर उनका डेटा रिकवर करने में लग गए। सिर्फ इतना भर करने से इन लोगों के हाथ कई अमेरिकी एजेंसी जैसे CIA और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के ऐसे दस्तावेज आ गए जो कभी पब्लिक में बाहर नहीं आने चाहिए थे। आज ये लोग डार्क वेब पर इस तरह के डॉक्यूमेंट्स की बोली लगाते हैं और कई सरकारें और उनके जासूस सीक्रेट तरीके से इन लोगों से ये डॉक्यूमेंट्स खरीद रहे हैं।
तो डेटा को सही तरीके से डिलीट ना किया जाना परेशानी तो है, लेकिन इसका समाधान क्या है? इस परेशानी का एक ही समाधान है दोस्तों, कि जब भी अपनी हार्ड ड्राइव या मेमोरी आप खाली करें तो उसके बाद उसे किसी भी फालतू डेटा से पूरी तरह से भर दें। ये करने के बाद उसे डिलीट कर दीजिए और 2-3 बार ऐसे ही करिए ताकि आपके डेटा की जगह नया डेटा ले ले। कुछ लोग तो ये काम 10-20 बार तक भी करते हैं। अब सवाल आता है कि क्या इतना काफी है? जवाब है नहीं, क्योंकि अब भी एक परेशानी है जिसे हम कहते हैं बैड सेक्टर्स। वक्त के साथ साथ आपकी हार्ड ड्राइव पुरानी होने लगती है और उसके कुछ हिस्से काम करने बंद कर देते हैं। ऐसे में बैड सेक्टर्स बन जाते हैं मेमोरी के वो कोने जहां आपका कंप्यूटर नहीं पहुंच सकता। मान लीजिए आपकी 1 TB की हार्ड ड्राइव में 300 MB का एक बैड सेक्टर है। अब इस 300 MB में जितना भी डेटा था उसे आपका कंप्यूटर नहीं एक्सेस कर सकता, यानी यहाँ कोई नया डेटा नहीं जाएगा और जो यहाँ पहले से ही मौजूद था वो अब जिंदगी भर यहीं रहेगा। कुछ डेटा एक्सपर्ट्स हैं जो इस तरह की हार्ड ड्राइव से भी डेटा निकाल सकते हैं, जिस कारण ये पूरी तरह सेफ नहीं है। इसके बाद आखिरी रास्ता यही बचता है कि अगर आपके पास बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव डेटा और एक नई हार्ड ड्राइव खरीदने के पैसे हैं तो आप पुरानी हार्ड ड्राइव को पूरी तरह से नष्ट कर दें। अगर आप अभी से परेशानी में आ गए तो सोचिए, ये सिर्फ अभी ऑनलाइन डेटा की बात हुई है, लेकिन आपके पास काफी सारा डेटा क्लाउड में भी है। फिर वो चाहे गूगल ड्राइव या आई क्लाउड जैसी सर्विस हो या फिर नेटफ्लिक्स, फेसबुक, ट्विटर जैसी कंपनियां जिनके डेटा सेंटर्स पर आपका डेटा स्टोर्ड है। इनके अलावा आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास भी आपका कुछ डेटा है, और चाहे आप इनमें से कुछ जगहों से अपना डेटा डिलीट भी कर दें, वो किसी ना किसी फॉर्म में किसी डेटा सेंटर पर आपको मिल जाएगा। इसके दो कारण हैं। पहला, इन कंपनीज का खुद का डेटा बैकअप जो एक नियमित तौर पर ये करती रहती हैं, और दूसरा है वो थर्ड पार्टी एप्स या वेबसाइट्स जिनके साथ इन कंपनियों ने आपका डेटा कभी ना कभी शेयर किया होगा। इसीलिए दुनिया में बहुत से लोग इंटरनेट पर अपना डेटा रखने को लेकर संशयात्मक हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इंटरनेट पर की गई कोई भी चीज पूरी तरह से कभी भी डिलीट नहीं की जा सकती, वो किसी ना किसी रूप में बची रह जाती है। और अगर आप उन्हें ढूंढने की कोशिश करें तो वो आपसे शायद कुछ सालों छुपी रहे, लेकिन वो अभी भी मौजूद है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको आज डेटा के बारे में कुछ नया जरूर पता चला होगा। अगर आप चाहते हैं हम इसी तरह की और वीडियोस बनाएं तो आप हमें कमेंट्स में लिखिए। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।